स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ 15 फीट चौड़ाई और 26 फीट लंबाई में घर का नक्शा कैसे बनाए। प्लान वन, ये प्लान वन है और ये प्लान आपका टू है। दो तरह से मैं प्लानिंग किया हूँ, आपको जो बेटर लगे वो बना सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। ओके, देखिए ये 15 फीट आपका चौड़ाई इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, या ये ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यहां से मैं एंट्रेंस, जो आप एमडी देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, यहां से आपको इंटर करना है। तो ये आपको लॉबी मिलेगा 5 फीट 8 इंच × 5 फीट 4 इंच का। ये जो पैसेज मिलेगा आपका यहाँ पे 5 फीट 8 इंच आपका क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा और 5 फीट 4 इंच आपको हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पेस मिलेगा, साथ में यहाँ पे जस्ट जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगा, स्टेयर से ऊपर चले जाएंगे, ये कंटिन्यू ऊपर चले जाएंगे। प्लस उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे उसके बाद ये हॉल मिलेगा आपका 9 फीट 9 इंच × 8 फीट का, ये हॉल मिलेगा, छोटा सा हॉल मिलेगा। साथ में इसी हॉल से अटैच आपको एक टॉयलेट मिलेगा 4 फीट × 8 फीट का, ये टॉयलेट मिलेगा यहाँ पे D2, ये दरवाजा है, यहाँ पे इंटर करेंगे ये आपका टॉयलेट मिल गया। उसके साथ जस्ट सामने में ये आपका हॉल से अटैच आपका ये किचन है, ये किचन का साइज है आपका 4 फीट 7 इंच × 6 फीट 2 इंच का। ओके, और किचन के साथ आपको यहाँ पे ये दरवाजा है, इंटर करेंगे हॉल से ही। ये बेडरूम आपका है 9 फीट 2 इंच × 11 फीट का आपका बेडरूम है, चौड़ाई आपका हो गया 9 फीट 2 इंच और ये 11 फीट आपका लंबाई हो गया। इस बेडरूम के में विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपका यहाँ पे OTS छोड़ा गया, किचन से पीछे में OTS ओपन टू स्काई है 4 फीट 7 इंच × 4 फीट 5 इंच का। ओके, तो यहाँ पे OTS छोड़ने का एक बेनिफिट है, किचन में रोशनी आएगा, साथ में आपको बेडरूम का जो विंडो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और टॉयलेट का जो वेंटिलेशन होगा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हॉल का विंडो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एक फ्रंट साइड में यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका प्लान फर्स्ट हो गया 15 फीट चौड़ाई 26 फीट लंबाई में। दूसरा प्लानिंग मैं किया हूँ जिनको सेपरेट चाहिए, हॉल सेपरेट चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये भी साउथ फेसिंग है, यहाँ से हम इंटर करेंगे, ये आपका सीढ़ी है, यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये स्टेयर से ऊपर चले आएंगे, ये देखिए ये लैंडिंग से आपका स्टेयर से ऊपर चले आएंगे, फिर कंटिन्यू ऐसे बना देंगे, ये आपका सीढ़ी है, स्टेयर है। उसके बाद आपको साइड में यहाँ पे हॉल मिलेगा, ये हॉल में इंटर करेंगे, हॉल का साइज है 10 फीट आपका लंबाई हो गया, 8 फीट 1 इंच आपका ये चौड़ाई हो गया, ये हॉल का साइज है। हॉल का विंडो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका हॉल से अटैच आपको टॉयलेट मिलेगा 5 फीट 8 इंच × 4 फीट का, किचन सेम पोजीशन जो पहला प्लान है, किचन प्लस में OTS यहाँ पे और ये बेडरूम। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फ्रंट में स्टेयर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट है, और नहीं तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप सिविल साइट नॉलेज को डोनेट करना चाहते हैं तो देखिए एक RDS फाउंडेशन एंड ट्रस्ट है, इस पे आप जाकर डोनेट कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ जो भी आप डोनेट करेंगे सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वो एजुकेशन के रिलेटेड आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, और उस पर बाकायदे एक वीडियो आएगा कि आपका जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया कहाँ पे यूटिलाइज हुआ, ये पूरा बताया जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप RDS फाउंडेशन एंड ट्रस्ट को आप डोनेट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।